वासु महाराज की, चालदा महाराज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। किसी भी जगह की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, यानी कल्चर। और भारत तो विविधताओं का देश है। देश का हर कोना, देश का हर हिस्सा अपने खास कल्चर यानी संस्कृति के लिए जाना जाता है। बात पूरब से पश्चिम की हो या फिर उत्तर से दक्षिण तक, आपको आपने अपने जीवन में कई बार कई तस्वीरें संस्कृति की देखी होंगी। लेकिन आज हम आपको देवभूमि यानी उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराएंगे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के गढ़वाल भवन में है, जहां पर जौनसार बावर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा आईटी नीति 2024 का खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में जौनसार पावर स्टूडेंट एसोसिएशन ने आईटी नीति 2024 का भव्य आयोजन किया। अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम में जहां एक तरफ देवभूमि के जौनसार क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए, वहीं कई सम्मानित शख्सियतों ने भी बतौर मेहमान शिरकत की। इसमें बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी दीप्ति रावत, रिटायर्ड एडीजी आईटीबीपी मनोज रावत, एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर चौहान समेत कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गढ़वाली रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ हुई। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेणां विहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। दीप प्रज्वलन के बाद जौनसार बावर स्टूडेंट एसोसिएशन के फाउंडर अखिलेश सिंह रावत ने कार्यक्रम में आए सभी गेस्ट का स्वागत किया और जौनसार बावर स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में बड़ी बातें बताई। इसका कोई यहाँ पे दिल्ली के अंदर कोई एक युवा संगठन नहीं था, तो हमने 2000 हमने सोचा कि एक बड़ी हमारी एक सोसाइटी है, बट हमारा युवाओं के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं था। तो हमने और हमारे जो जितने प्यारे बच्चे हैं, हमने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक युवा संगठन बनाए, जो हमारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे आज गेस्ट हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सुंदर कॉलेज, अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि मेरिट पे आए हैं। कहना ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मैं कहना चाहूँगा, ये बच्चे क्रीम क्राउड है हमारे उत्तराखंड का। तो हमने ये 2022 में इस फाउंडेशन को स्थापना करी, इस ऑर्गेनाइजेशन की। और हमारे जो फाउंडेशन का मूल मत था कि हमें कभी जो यूथ जनरेशन है अपनी, हमें कहीं ना कहीं उन्हें अपने कल्चर से जोड़ना था। आज हम यहाँ सब लोग एक साथ बैठे हैं तो अपने जौनसार बावर के कल्चर के लिए बैठे हैं। तो हमारा जो मूल मंत्र था वो ये था। और कहीं ना कहीं जब हमारा बच्चा दिल्ली से बाहर आता है तो उसको एक लोकल गार्जियन की जरूरत होती है दिल्ली जैसे शहर में। तो कहीं ना कहीं ये जौनसार बावर स्टूडेंट एसोसिएशन जितने बच्चे अपने घर से दिल्ली पढ़ने आए, सबका गार्जियन है, गार्जियन के रूप में हम काम कर रहे हैं। आईटी नीति 2024 में जौनसार पावर एसोसिएशन के छात्रों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की। छात्रों ने अपने पारंपरिक पोशाक में डांस परफॉर्म किया। इस दौरान पूरे ऑडिटोरियम में जोश का माहौल नजर आया और स्टूडेंट्स भी बेहद खुश दिखे।
इस शानदार कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स ने अपने ड्रेस के बारे में बात की और उनकी खासियत को बयां किया। आप दोनों ने जो ये कॉस्ट्यूम पहना है, बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम है एंड आई थिंक उत्तराखंड का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है ये, तो आप बताएंगे इसके बारे में? ये हमारे जौनसार बावर में जो है बूढ़ी दीपावली में जो हमारी दीपावली है उसमें पहना जाता है, इसको जूडो बोलते हैं, जूडो और ये डांगरा, जिससे हमारे नृत्य जैसे झेंता, रासो, जंगबाजी ये सब हम इसके द्वारा करते हैं। बेसिकली ये जौनसार बावर की ट्रेडिशनल ड्रेस है और जो ये आप हमारे हाथ में देख रहे हो इसे डांगरा कहते हैं। जैसे कि भाई ने कहा इसे नृत्य वगैरह में भी यूज करा जाता है। नामिका, आप हमें बता सकते हैं कि आपने आज ये बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना है, तो आप हमें बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये ड्रेस क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो बेसिकली ये ढांटू होता है जो कि हमारे गांव में या हमारे कल्चर में लेडीज़ अपने सर पे बांधती हैं और इसको नथ कहते हैं। ये नॉर्मल झुमके होते हैं एंड जो ये ऊपर पहना जाता है इसको झग्गा बोलते हैं और जो ये नीचे होता है इसको घाघरा बोलते हैं। सो बेसिकली इसको हमारे ट्रेडिशनल में पहना जाता है हर इवेंट में और जो हमारी गांव की पुरानी लेडीज़ होती हैं ये आज भी इसको रोज़ मतलब डेली वेयर में पहनती हैं, बट लेकिन अब आजकल की जनरेशन में इसको ओकेजनली पहना जाता है। वहीं आईटी नीति 2024 में शामिल हुए गेस्ट ने भी प्रोग्राम को लेकर अपनी बातों को रखा। सबसे पहले आपको बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी दीप्ति शर्मा की बातों को सुनाते हैं, जिन्होंने जौनसार बावर स्टूडेंट एसोसिएशन की जमकर तारीफ की और ये बताया कि कैसे अपने कल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। मेरे साथ दीप्ति रावत जी हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, वो बतौर मुख्य अतिथि आईटी नीति 2024 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। तो दीप्ति जी, पहले तो बताइए कि ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको? नवेंदु जी, आज हम ये जौनसार बावर के कार्यक्रम में थे, सारे स्टूडेंट एसोसिएशन है ये पूरी और बच्चों ने बहुत अच्छे से मैं कहूँगी कि सब कुछ खुद किया है, मतलब पूरा मैनेजमेंट खुद किया है, सब कुछ अरेंज खुद किया है, कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था, गेस्ट कोऑर्डिनेशन और जितनी परफॉर्मेंस स्टेज पे हुई वो भी उन्होंने स्वयं से ही करी और उनको परफॉर्म किया। तो ये बहुत बड़ी एक आपके लिए एक लर्निंग होती है, कुछ चीज़ें आप किताबों में पढ़ते हैं, कुछ आप इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा एक यहाँ पर आयोजन आज किया है, उसके लिए पूरी मैं कहूँगी जौनसार बावर स्टूडेंट एसोसिएशन को बधाई है। और इसके फाउंडर हैं अखिलेश रावत जो खुद से चक्राता के रहने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आउट है, मेरे भाई भी हैं छोटे, मैं कहती हूँ उनको कई बार, तो बहुत अच्छा उन लोगों ने यहाँ पर अरेंज किया इस कार्यक्रम को, बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता है, जिसकी संस्कृति कहें तो पूरे भारत में बहुत ही खास है और लोग पूरे देश से यहाँ पर आते हैं, चार धाम में से एक धाम उत्तराखंड में भी है। आज के समय में जब देश के युवा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इस दौर में क्या कल्चर पीछे थोड़ा छूटते हुए जा रहा है और उस कड़ी में जब आईटी नीति 2024 का आयोजन हो रहा है तो क्या ये उस कल्चर को फिर से पटरी पर लाने की एक बड़ी कोशिश है? देखिए, यही हमने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस आज युवाओं के सामने हैं, सोशल मीडिया उनके पास है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं पढ़ाई के साथ साथ, और उनके पास बहुत सारा एक उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनको एक करियर चुनना है, जाना है वहाँ पर करियर बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो जड़ें हैं उस तक कैसे वो जुड़े रहें, अपने जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसकी कोशिश आज इस कार्यक्रम के ज़रिए हुई। और मुझे लगता है ये सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बाइलिंगुअल हैं, बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन उस टैलेंट के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आज जो संस्कृति आपको देखने को मिली, आज हर बच्चे ने अपनी सांस्कृतिक जो उनकी पोशाक है, ड्रेस है, वो सब ने पहनी हुई थी और बहुत ही उसी लहजे में सब लोग बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है युवाओं को ऐसे ही जब कार्यक्रम होते हैं तो उससे एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमको कितने भी मॉडर्न हो आप, मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं, आप सब कुछ जानिए, आप देश दुनिया में जाते हैं, आप कितने भी, मैंने कहा कितने भी किलोमीटर दूर रह सकते हैं अपने गाँव से, अपने घर से, लेकिन अपनी जो संस्कृति है वहाँ से विचार से और दिल से जुड़े रहना अपने गाँव से, वो आपको करना है। और वो मुझे लगता है ये सभी जुड़े हैं और इनको देखकर और भी जो
हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इनको देखकर जुड़ेंगे। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। कहा जाता है कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में छात्र पलायन करके दिल्ली आते हैं या देश के दूसरे हिस्से में जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का कल्चर काफ़ी रिच है। अगर कल्चर को इसी तरह से प्रमोट करने वाले लोग रहे हमारे समाज में और प्रमोट किया जाए लगातार, तो क्या ये पलायन आने वाले समय में रुक सकता है और लोग अपनी कल्चर को, बच्चे अपने कल्चर को पहचान के दिल्ली या फिर दूसरे शहरों के बजाय उत्तराखंड में रहकर वहाँ के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, पलायन, मैं आपसे कहूँगी कि पलायन कोई एक विकास का ही एक एक अंग है, एक पार्ट है। जब हम कुछ ना कुछ करते हैं तो हम उस पर पलायन भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो बहुत सारे लोगों ने लेकिन रिवर्स पलायन भी किया है। जो लोग पहले से बाहर गए पढ़े और उन्होंने हमारी मेट्रो सिटीज़ में पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद वो वापस अपने गांव लौटे हैं, वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया है, वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़कर कम्युनिटी फार्मिंग शुरू करी है, ऑर्चर्ड उन्होंने शुरू किए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने होम स्टेज और होटल इंडस्ट्री में अपना योगदान किया है वापस, जिसको हम रिवर्स पलायन कहते हैं। लेकिन हम कहीं जाए ही नहीं, मैं उसकी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि पलायन एक 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 सिस्टम है जो कि हमको कई बार अपने गांव से हमें नीचे बाज़ार तक, बाज़ार से लेकर नीचे हमारे और शहर तक, और आप कहेंगे कि चक्राता से लेकर विकास नगर तक, विकास नगर से हरबटपुर और वहाँ से देहरादून तक का भी हम अगर आप कहेंगे तो वो भी गांव से पलायन ही है, और वहाँ से अगर दिल्ली आ जाते हैं तो वो और दूर का पलायन है, और देश से जब हम विदेश चले जाते हैं तो वो भी एक पलायन होता है। लेकिन उसमें कई बार जो ब्रेन ड्रेन है वो नहीं होना चाहिए। जो हमारे अच्छे ब्रेन्स हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग बाहर जा रहे हैं। आज हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज मोदी जी ने इतनी सारी स्टार्टअप, स्टैंडअप और बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं कि बच्चे अपने यहाँ रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी को पलायन करने की, सभी को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग अपने यहाँ रहकर बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप की बात की, नरेंद्र मोदी की बात की, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, क्या जिस तरह से भारत सरकार तरह तरह की स्कीम चला रही है, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इस तरह की स्कीम्स चलाए और छात्रों को मौका दें कि वो वहाँ पर रहकर, वहाँ पर उसी भूमि में रह के वहाँ के लिए, मिट्टी के लिए कुछ करें, विकास में योगदान दें, तो क्या उत्तराखंड सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? हालांकि उन्होंने कुछ बड़े स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इसमें और भी ज़रूरत है। देखिए, उत्तराखंड सरकार, आप कह रहे हैं बड़ा स्टेप उठाने नहीं जा रही है, उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी की सरकार ने बहुत बड़े और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जो कि युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कि एक वरदान की तरह साबित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि युवाओं के लिए कैसे आज हमारे यहाँ लगातार चल रहा था कि पूरे देश भर में था एक नकल जो थी, एक इस तरीके का एक एक सिस्टम चल रहा था, सालों से चला आ रहा था। आप देखेंगे हर स्टेट में चल रहा था, लेकिन कई राज्यों में ये चल रहा था, लेकिन उसके लिए किसी ने इतना सख्त कानून नहीं बनाया। धामी जी ने सबसे दुनिया में, मैं कहूँगी कि देश में सबसे अगर सख्त कानून कोई बना है हमारे पेपर लीक के लिए और नकल विरोधी कानून है, वो आज उत्तराखंड में बनाया है, और वो हमें देखने को मिल रहा है, उसका परिचय, उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे युवा हैं जो इस लायक हैं, वो एक नहीं, वो 5-5, 6-6 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, और आज उनके पास ऑप्शन है वो किस कहाँ पर ज्वाइनिंग वो करें। तो आज युवा खुश हैं, आज युवाओं के लिए अपनी स्वावलंबी बनने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए होम स्टे हैं, उनके लिए सोलर फार्मिंग है, वो कैसे अपने पैरों पे खड़े होकर लोन लेकर वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, वो उनके लिए है। हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए हमने जो हमारी लोकल, हमारी अपनी प्रदेश की जो नौकरियाँ हैं सरकारी, उनमें 30% का आरक्षण हमारी बेटियों के लिए किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहाड़ में महिलाओं की ज़िंदगी बिल्कुल पहाड़ जैसी होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उन बेटियों को हमने लेकर आए, और आज वो नौकरियां ले रही हैं, आज वो पढ़ रही हैं, और उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्वावलंबी रहने की अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है। आईटी नीति 2024 में पहुंचे आईटीबीपी के रिटायर्ड एडीजी मनोज रावत ने भी प्रोग्राम की तारीफ की और युवाओं से खास अपील की। इस कार्यक्रम में आकर मनोज जी, आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेस आपने देखे, आपको क्या लगा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, मैं उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ, तो जौनसार बावर का ये बेसिकली प्रोग्राम था आईटी नीति। तो इसमें ये जितने यंगस्टर्स हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, जो जौनसार बावर से आते हैं,
उन लोगों ने बहुत अच्छा कल्चर प्रोग्राम शो किया और मुझे क्योंकि ये उत्तराखंड का प्रोग्राम था तो मेरे लिए बहुत विशेष आकर्षण था इसके लिए। इस क्षेत्र के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं चाहता था कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी एज वाइब्रेंट एज द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स आर। तो ये अपने प्रदेश के लिए अपने इलाके के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान दें, यही मैंने इनसे हमारी यही चाहत है। तो इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम था ये, तो कल्चरल डिस्प्ले ऑफ द जौनसार बावर, एक्सीलेंट प्रिपरेशन एंड डेडिकेशन वॉज सीन हियर। ये जो कार्यक्रम था विशेष तौर पर कल्चर को प्रमोट करने के लिए था। उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है और वहाँ की कल्चर काफ़ी समृद्ध कल्चर कही जाती है, तो इस कल्चर को मेंटेन करने के लिए उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं उनको अगर टिप्स दिया जाए तो आपके हिसाब से वो टिप्स क्या क्या होंगे जिनको वो फॉलो करके अपने कल्चर को मेंटेन करें, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से युवा अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जो आज बेसिकली जो स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट थे और जो ऑडियंस था ये लार्जली ये सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई PhD कर रहा है और कोई अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। आई थिंक दे आर द क्रीम ऑफ जौनसार बावर एंड द उत्तराखंड। तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इंडिविजुअल सक्सेस तो आदमी की हो जाती है, आप मेहनत करते हैं पूरा परिवार आपके ऊपर अपनी मेहनत झोंक देता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आप क्या दे रहे हैं, व्हाट यू आर रिटर्निंग बैक टू योर रीजन टू योर स्टेट एंड द कंट्री, इट्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि आज ये हाईलाइट किया गया था कि अपनी धरोहर को आज का जो युवा है या ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या है अपने क्षेत्र को छोड़कर प्लेन के पलायन कर रहे हैं और देश विदेशों में सेटल हो रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चाहे कोई भी उस क्षेत्र में रहे लेकिन क्षेत्र शुड बी डेवलप्ड। और दूसरा यह है कि जो ओल्ड जो हमारे साथी हैं वेटरन्स हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी के कोई और भी रिश्तेदार हैं जुड़े हुए सोसाइटी जुड़ी हुई है, तो उनको तभी आप सम्मान दे सकते हैं और वो तभी स्वाभिमान से जी सकते हैं अगर आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो मैंने ये विशेष आग्रह करा सबसे कि अपने आप विशेष करके उत्तराखंड के लिए रिसर्च करिए कि क्या क्या हमारे यहाँ क्षमताएँ हैं और क्या क्या जो हम इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और क्या वीकनेसेस हैं उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसमें अगर ये ज़्यादा ध्यान देंगे तभी हम अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। एक और मनोज रावत ने जहां युवाओं से अपनी मिट्टी से जुड़ने की अपील की, वहीं NDRF के DIG गंभीर चौहान ने भी युवाओं को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। हाँ, इसमें आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के मुझे अपने गांव की याद आई। सभी लोग अपने इलाके के हैं, चाहे जौनसार बावर, गढ़वाल, हिमाचल, और जिस तरह से अपनी कल्चर को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो वाकई में प्रशंसनीय हैं, और वही गांव की याद इन्होंने हमको दिलाई। सर, आप इतने सालों से शहर में रह रहे हैं, गांव तो बहुत ही पहले छूट चुका होगा, लेकिन आजकल के आज जो समय है उसमें बदलाव काफ़ी आ गया है, खासकर अगर कल्चर की बात होती है। हम उस देश से आते हैं जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, और आप जैसे लोग इतने बड़े पद पर होने के बावजूद अपने कल्चर को इस तरह से मेंटेन करके रखे हैं, तो इस कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे आए हुए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें? अब मेरा यही संदेश होगा अखिलेश रावत जी, उनकी पूरी टीम और जो बच्चे यहाँ पर आज मौजूद हैं, कि जैसा मैंने अंदर भी कहा कि आप कहीं भी पहुँचें, किसी भी पद पर पहुँचें, किसी भी देश के दुनिया के कोने में पहुँचें, आप ज़रूर तरक्की करें, उन्नति करें, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपना जो इलाका है, अपना जो घर परिवार है, अपना जो हमारी रीति रिवाज, नाच गाना, खाना पीना है, उसको कभी ना भूलें। मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरे को अगर 2 दिन की भी छुट्टी मिलती है तो उसमें से मैं 1 दिन अपने गाँव में बिताना पसंद करता हूँ। हमारे चाहे जो भी उसमें आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हर इलाका बहुत विकसित हो चुका है, सड़कें, बिजली, पानी, सभी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं जो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मेरे बच्चों से ये अनुरोध रहेगा कि आप हर दुनिया के उस कोने में पहुँचे लेकिन अपने इलाके को, अपने गांव को, अपने परंपराओं को, अपने संस्कृति को कभी ना भूलें। सर, आपने अभी प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी बात कही और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं उनको ड्रग्स और नशा से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें पता चलता है कि
भारत का एक बड़ा तबका है, चाहे राज्य की बात करें या बड़ी जनसंख्या है, जो कि कम उम्र से, अगर हम स्कूल के बच्चे को भी देखते हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 7 साल के 8 साल के, वो भी नशा करते हैं, चाहे सिगरेट हो या ड्रग्स हो, तो उनको क्या संदेश देंगे यहाँ सर? मेरी उनको संदेश भी और मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ये उम्र जो है आगे बढ़ने की है। हर बच्चे के माँ बाप की एक उनसे उम्मीद है, एक आशा है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े, कुछ करे। और आजकल समाज में, सोसाइटी में और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतने मौके उपलब्ध हैं कि बच्चा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते में फंसेगा, ड्रग्स में, चोरी में, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मेरी यही सबसे मेरा अनुरोध भी है, मेरी अपील भी है कि आप ये समय आपको कैरियर बनाने का, आगे बढ़ने का है, क्योंकि आपके ऊपर अपने परिवार की, अपने समाज की भी जिम्मेवारी है। तो ड्रग्स को छोड़ दें, उम्र पड़ी आगे करने के लिए, बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे अपने जीवन को जीने के, लेकिन ये जो उम्र है, अगर आप इस समय गलत रास्ते में फंसे तो आगे आपका भविष्य अंधकार में होगा। जॉनसार पावर स्टूडेंट एसोसिएशन के फाउंडर अखिलेश सिंह रावत ने आईटी नीति को लेकर तमाम बातें की और श्रेष्ठ भारत परिवार को भी ऐसे कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए धन्यवाद दिया। जॉनसार बावर स्टूडेंट यूनियन के इस समय फाउंडर अखिलेश रावत जी मेरे साथ हैं, जो हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। कहें तो इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा यही तैयार करते हैं। पिछले 3 साल से ये लगातार अपनी मेहनत के दम पर एक शानदार सफल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपसे कि ये आइडिया आपको कैसे दिमाग में आया और कब आपने इसकी प्लानिंग की कि ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ताकि उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करके हम पूरे देश को दिखा सकें कि आखिरकार देवभूमि जाना किस लिए जाता है? बेसिकली ये आइडिया तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, बट क्या होता है, आइडिया होने से कुछ नहीं होता, जब आप आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हो तभी वो चीज़ें आगे सक्सेसफुल होती है। 2022 में हमने इस संगठन की स्थापना करी है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही भी महत्व है और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी कल्चर से जोड़ना है, क्योंकि ये कल्चर ही है जो हम सबको एज अ यूनाइटेड फोर्स और फोर्स की तरह खड़ा करती है, यूनाइट करती है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे कल्चर से दूर जा रही है। जो हमारा छात्र उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्र से आता है और दिल्ली की चकाचौंध में वो अपने कल्चर को भूल जाता है, कहीं ना कहीं ये उसी पहल में है कि हमें अपने कम्युनिटी को जोड़ना है और अपने कल्चर को प्रमोट करना है, ताकि वो छात्र, जिसे कहते हैं यूथ, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो कल्चर पास ऑन करे। तो आपने पिछले 3 साल से आपने इसकी शुरुआत की है, 3 साल हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसका कुछ आउटकम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जब हमने पहली बार इसकी शुरुआत की थी तो हमारे साथ 100 मेंबर जुड़े थे, फिर पिछले साल 200, वही आंकड़ा 200 पे। इस बार हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो मेंबर की संख्या हो रही है और जो बच्चों में उत्साह है वो 500 से आंकड़ा ज़्यादा हो गया है, और लोगों में जो कल्चर के प्रति जो ऊर्जा और एक कल्चर को अटेंड करने की शक्ति आई है, तो वो बहुत ही, मतलब अब बच्चे का जो एक्साइटमेंट लेवल है, बच्चे बड़ी दूर दूर से, मैं बताऊंगा कुछ बच्चे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पहले से जुड़े थे वो बनारस, कई दूसरे स्टेशन से बस आज प्रोग्राम को अटेंड करने आए। तो जैसा आपने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, तो इसी तर्ज पर क्या आप उत्तराखंड में भी पहले करते थे, या आपकी प्लानिंग है कि वहाँ भी ऐसा किया जाएगा, क्योंकि वो लोकल जगह है, अगर वहाँ आप करते हैं तो नो डाउट कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिल सकता है? बिल्कुल, हम इसके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तराखंड में कई एक्टिविटी करते हैं हम। हमारा कोई कल्चर, इट इज़ नॉट ओनली बेसिक ऑफ कल्चर, वी आर नॉट एसोसिएटेड विद कल्चर। इस प्लेटफॉर्म से हम बुक डोनेशन ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव और इसके अलावा जो भी सामाजिक एक्टिविटी है, हम वो सारी करते हैं ताकि हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले और वो सीखे, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सीखे, क्योंकि आज की डेट पे आपको यू हैव टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आप ठीक है, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, बट यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन फील्ड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मैंने कुछ स्टूडेंट से भी बात की, उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, तो कैसे आपने इतना शानदार प्रोग्राम तैयार किया? इसमें जो आप लोगों का बहुत सहयोग, पहले तो मैं आपको श्रेष्ठ भारत को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे, मेरे कॉल पे, एक आह्वान पे, इन्होंने प्रियांशा चौहान, गायत्री चौहान और आपके जो श्रेष्ठ भारत के आशीष जी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे एक वाहन पे आपको मीडिया, एज अ मीडिया पार्टनर हमारे साथ एसोसिएट। नेस्ले का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, नेस्ले से वर्मा जी का, जिन्होंने मेरे एक आह्वान पे, यहाँ पे बच्चों को फ्री सैम्पलिंग मिल रही है नेस्ले से। हमारी जो गढ़वाल हितेशी सभा है, एज अ इवेंट पार्टनर, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा।
हमारे मित्र अनुज गोयल जिन्होंने पूरे बच्चों के लिए अच्छे बैंड्स और जिनकी फंडिंग आती है, विक्रम सिंह पवार दिल्ली हाईकोर्ट के जो अभी सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं, अतुल गुलेरिया जो सीबीआई के स्टैंडिंग काउंसिल, ऐसी लिस्ट की जो अनगिनत है जिनका हमें अपूर्व समर्थन मिलता है, वो ये सारे लोग हैं। आपने कहा कि जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो लोगों की संख्या कम थी आपके साथ, लेकिन 3 साल हो गए, लोगों की संख्या बढ़ी है, बच्चे आपके साथ बड़ी संख्या में आए हैं, तो आने वाले दिनों में इसको कितने लार्ज आप नंबर ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, कौन से स्केल पे लेकर जाना चाहेंगे? हमारा देखिए हमारी कोई रेट रेस नहीं है। हमारा एजेंडा बस कल्चर को प्रमोट करना है, जितने आगे से आगे हमारा तो है कि हम वर्ल्ड लेवल पे इसको लेके जाना चाहते हैं, विश्व पर्यटन स्थल पर जिसे कहते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत की सारी टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अखिलेश रावत जी थे जो कि फाउंडर हैं जॉनसार बावर स्टूडेंट एसोसिएशन के, और इन्होंने ही अपना कह सकते हैं कि पूरी शक्ति लगा दी और एक शानदार मंच तैयार किया जिसके थ्रू यहाँ के जो बच्चे हैं, जो उत्तराखंड के हैं, जो लोकल बच्चे हैं, उन्हें एक मंच मिला वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें और ना सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में बताएं कि उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है उसकी मिट्टी में क्या खास है। अगर आप उस कल्चर से जुड़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी खूबसूरती बढ़ती है, उसमें 4 चांद लगता है। और अगर इसी तरह के कार्यक्रम ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि भारत के हर हिस्से में होने लगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दौर में जिस तरह से कल्चर पीछे छूटता जा रहा है वो अचानक से मेन स्ट्रीम में भी आएगा, हालांकि वो है लेकिन उस धारा प्रवाह की रफ्तार में आएगा और भारत के युवा बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नवेंदु शेखर झा, गढ़वाल भवन, नई दिल्ली, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।